हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे सो आप और मैं सोनिया सत्तानी आप सबका स्वागत करू छू मारे सांझ की खबर में। तो चलो खबर की शुरुआत करा। नानोंद की अनाज मंडी में निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर समारोह का आयोजन कराया गया और इस दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यक्रम में शिरकत करी और इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु और कृष्णपाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी कराया और वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने मूक बधिर बालका ताई 6 लाख रूपये के उपकरण देने की घोषणा करी। इसके गलिया नानोंद में 1,26,00,000 रूपये की लागत है 1,347 दिव्यांग लाभार्थियों ताई उपकरण भी दिए गए हैं और इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने दिव्यांगता संबोधित करते हुए न्यू कहा है कि अधिकारियों ने घर घर जाकर सर्वे कराया और योग्य उम्मीदवारों तई उपकरण देने का यह पुण्य काम कराया गया है। और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने न्यू कहा है कि दिव्यांगा के बीच जाकर उन्हें बहुत गणी खुशी हुई है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत सरकार ने 13 लाख दिव्यांगता 815 करोड़ के उपकरण बांटे से इसके गले विपक्ष पर निशाना साधते हुए वह न्यू बोले कि मोदी सरकार के आणते पहले दिव्यांगता जो पैसे आया करते वो उन पर खर्च नहीं होया करे थे लेकिन अब सारे पैसे दिव्यांग पर खर्च करने लग गए हैं। 1374 दिव्यांग जनों को आज राज्य सरकार, भारत सरकार, रेड क्रॉस के मिला करके उनको सहायताएं दी गई कि जो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के जो 83 ऐसे 80% से अधिक दिव्यांग जन हैं जो ट्राई साइकिल की उनको आवश्यकता थी, तो मैंने माननीय श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी से बात करके कि इन 83 के 83 को एक नॉर्मल ट्राई साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल बेस्ड ट्राई साइकिल, मोटराइज ट्राई साइकिल जो है वह आज देने का संकल्प किया। पूर्व सीएम हुड्डा 18 अगस्त ने रोहतक के मेला ग्राउंड में ओनाली परिवर्तन रैली में कार्यकर्ताओं खातर नोता देने चरखी दादरी पहुंचे सर। इस दौरान कार्यकर्ताओं की बैठक ने संबोधित करते हुए रोहतक की महारैली के बाद हरियाणा के लोगों ने बीजेपी परास्त करने ताई एक ताकतवर विकल्प भी मिलेगा और उन्होंने भी कहा कि समाज ने बांटन और राजनीतिक प्रतिशोध तक काम करने वाली बीजेपी की सच्चाई लोगों के सामने आ रही है और विधानसभा चुनाव में उसकी बड़ी हार तय से इसके गले उनने मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लांदे हुए उन्हें कहा है कि इस टाइम पूरे प्रदेश में अवैध खनन और ओवरलोडिंग का खेल खेला जा रहा है जिसमें राजनेता और बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। जो रिस्पॉन्स मिल रहा है बहुत जबरदस्त है, बड़ी जबरदस्त रैली होने जा रही है, पूरी तैयारी है, सरकार की छुट्टी करने की तैयारी है। आम आवाम इस सरकार के खिलाफ है, हर वक्त इस सरकार से हूँ, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब आदमी हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, क्योंकि एक तो कानून व्यवस्था बिल्कुल चड़बड़ा गई प्रदेश की और किसान जो बर्बादी के कगार पे है, गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं, जो 3,82,600 गज के प्लॉट मिल गए सरकार ने एक को नहीं, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में है। खरखोदा में मंगलवार ने कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने 18 अगस्त ने होने वाली परिवर्तन रैली पर कार्यकर्ताओं तक न्योता दिया से और इस दौरान उन्हें न्यू कहा कि 18 अगस्त की रैली सत्ता परिवर्तन रैली से जाते बीजेपी के शासन तक हर वर्ग परेशान हो रहा है और वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी नेताओं पर महिलाओं का सम्मान न करने का आरोप भी लगाया है और वहीं प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व परिवर्तन पर दीपेंद्र हुड्डा ने न्यू कहा है कि सोनिया गांधी दोबारा अध्यक्ष बनगी से जो संगठन के मामला ने बहुत अच्छे डालते देखने लग रही सर। इस दौरान दीपेंद्र ने बीरेंद्र सिंह के भूपेंद्र हुड्डा पर बयान पर न्यू कहा है कि बीजेपी के इसे नेताओं तक मैं कहूं सूं थैंक्स बट नो थैंक्स और वहीं धारा 370 पर दो गुटा में बटी कांग्रेस के सवाल पर मैं न्यू बोले सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और सरकार के अच्छे फैसले का वो समर्थन करें से। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन आज की जरूरत है क्योंकि हरियाणा सरकार की जो कार्यशैली रही है
वो बड़ी निराशाजनक रही है। इन 5 वर्षों में प्रदेश में विकास की रफ्तार न सिर्फ थम गई है बल्कि हरियाणा को विपरीत दिशा में लेकर जाने का काम इस सरकार ने किया। कोई निवेश हुआ नहीं, इन्वेस्टमेंट आई नहीं, कोई फैक्ट्री एक भी नहीं लगी। नेता ये कह रहे हैं कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने निवास किसान भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन्हों के आशय है कि सीबीएसई बोर्ड की फीस 350 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर देना एक बार फिर साबित करे से बीजेपी बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने शिक्षित बनो और संघर्ष करो ने धूमिल कर रही है। इसकी गिले उन्हें न्यू भी कह आशय है बीजेपी हमेशा से दलित विरोधी सरकार रही है और वहीं 10वीं और 12वीं की फीस बढ़ाने पर रणदीप सुरजेवाला ने न्यू कह आशय कि मारी राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मांग न्यू है कि लाखों बालक इससे प्रभावित होंगे, फीस का यो अनाप शनाप बढ़ोतरी तुरंत वापस ली जावे। सीबीएसई बोर्ड की फीस को खास तौर से अनुसूचित जाति के बच्चों और आदिवासी बच्चों के लिए 350 रुपये से 1200 रुपये बढ़ाकर यानी 350% फीस बढ़ाकर एक बार फिर भाजपा सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के सपने यानी शिक्षित बनो संघर्ष करो उसको धूमिल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड लगातार दलित और अनुसूचित जाति विरोधी रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से लंदन में आयोजित गीता महोत्सव के सफल आयोजन के बाद कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आज दिल्ली पहुंचे और इस दौरान हरियाणा न्यूज के संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने विपुल गोयल तक खास बातचीत करी। ताइए आपने सुनावा कुन के कुछ कयास है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल लंदन से वापस लौटे हैं, गीता के प्रचार प्रसार के लिए वहां पर पहुंचे थे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाने को लेकर के हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में स्थापित किया शोभा यात्रा के साथ गीता जयंती को आपने वहां पर संपन्न किया है, क्या कुछ रिस्पांस रहा और किस तरीके से इसके प्रचार प्रसार में लोगों ने भाग लिया? लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह था गीता जयंती को लेकर, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे शोभा यात्रा की बात हो और जगह जगह और मंदिरों में जो कार्यक्रम है उसकी बात हो, सभी जगह लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था। और गीता को लेकर और गीता की सार्थकता को लेकर कि 5,156 साल पहले जो गीता का उपदेश हुआ था वो आज भी उतना ही सार्थक है जितना 5,000 साल पहले था, ये लोगों ने माना। गीता की कौन सी बात थी जिसको लेकर के आपने कहा कि वहाँ डिबेट भी हुई लोगों के बीच में, लोगों ने चर्चा भी की, हालांकि अपने आप में गीता एक पूरा सार है जिसकी हर बात का एक अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा? देखिए जैसे आपने कहा गीता का हर श्लोक अपने आप में कोई ना कोई महत्व रखता है, लेकिन सबसे ज्यादा बात कि गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भाग्य को नहीं कर्म को प्रधान मानता है और कर्म प्रधानता के ऊपर कि कर्मों से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, इस बात को वहाँ लोगों ने माना और माने मनोहर लाल जी के इस प्रयास की, स्वामी ज्ञानानंद जी के इस प्रयास की लोगों ने बहुत सराहना की कि किस तरीके के विचारधारा हमारे मुख्यमंत्री रखते हैं कि गीता को सिर्फ जो हरियाणा के अंदर जिसका जो उत्पन्न हुई जिसका गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के अंदर दिया गया उसे किस तरीके से वो विश्व के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसने सभी लोगों ने हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री का एक संदेश भी आपने दिया था वहाँ पर? मुख्यमंत्री जी का संदेश भी मैंने पढ़ा वहाँ पर और मुख्यमंत्री जी के लिए जो लोगों ने आभार भेजा जो धन्यवाद भेजा वो भी उन तक पहुँचाने का काम। तो विपुल गोयल हमारे साथ थे, लंदन से वापस लौटे हैं और उनका कहना है कि पूरे तरीके से लोग गीता के श्लोकों के साथ लंदन में भी गुंजायमान नजर आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ में पूर्व सीपीएस बख्शीश सिंह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने पर मोदी और अमित शाह की तारीफ करी से इसके गैला एमएनयू बोले कि प्रदेश में बीजेपी के मुकाबले कोई और दल को नया देखो 370 दफा जेडे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं उन्होंने कोई जनाधार नहीं, कांग्रेस वाले तो फजूल दी गल्ला करते हैं, उन्होंने इस गल का पता ही नहीं कि जेड़ा जम्मू कश्मीर साढ़े भारत का एक हिस्सा सी अज वो भारत के हिस्से में आ गया है, सानू सब खुशी होनी चाहिए। देखो अगला मुकाबला तो मेरे हिसाब से किसी है ही नहीं, ये तो हम कांग्रेस वाले जानन जे जे पी वाले जानन अनिलो वाले जानन कि मुकाबले च उन्होंने किन्नी हिम्मत है कि बराबर आ सकन, पर मैनू लग नहीं रहा कि कोई भी पार्टी साढ़े सामने आ के टिक सके क्योंकि कम ही सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ, ਤਾਵਲੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਾਟ ਦੇਖਿਓ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चालू बड़ा खबरों की ओर, खबर से सिरसा से। सिरसा के दोतड़ गांव में नानी बाई का मायरा कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। इस दौरान एचएलपीए अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने लोग संबोधित करे और न्यू बोले कि राजनीति केवल सेवा का माध्यम से है और न्यू भी कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा सेवा कार्य में जुटा रहूंगा। और वहीं गोपाल कांडा ने न्यू भी कहा से कि जया किशोरी साक्षात राधा सरस्वती का स्वरूप से। इसके गिल्ला एवं न्यू भी बोले कि यो धार्मिक आयोजन संता की कृपा तो हुए से, इसलिए दोतड़ के युवाओं ने समर्पित होकर सेवा करी से। और इस दौरान गोपाल कांडा ने दोतड़ गांव के सरपंच की जमकर तारीफ करी और न्यू बोलिया कि देश प्रदेश में दोतड़ गांव जैसा सरपंच नहीं है। इसके गिल्ला सरपंच की सेवा तय गोपाल कांडा बहुत राज्य और तीसरा है। अभी इतना ही नहीं, कार्यक्रम में आयोजन के संयोजक गोविंद कांडा ने भी लोग संबोधित करे और धोतड़ गांव की जनता का आभार जताया। ये ऐसे प्रोग्राम ऐसी तपस्थली पे संतों की आशीर्वाद से उनकी कृपा से होते हैं और सभी सेवादारों को जितने भी सेवादार हैं लड़के लड़कियां मेरे नौजवान साथी सभी को मैं बहुत बहुत सादर नमन करता हूं। ऐसी सेवा भावना मैंने कहीं नहीं देखी और सबसे बड़ी बात मैं हरियाणा के हर गांव में और हरियाणा के अलावा और क्षेत्रों के गांव में भी गया हूं पर इतनी श्रद्धा के साथ भगवान की एक कथा के अंदर इतना कार्य करने वाला मैंने सरपंच भी नहीं देखा। अब थे कथा करी मारी मर्जी से, अब एक कथा और चाहिए मन्नत इनांगी सारंगी मर्जी से। महेंद्रगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी 21 सूत्रीय मांगा ने लेकर विचार विमर्श कराया और जन स्वास्थ्य विभाग के मंडल अभियंता से मुलाकात करी। इस बाबत मंडल अभियंता ने कर्मचारियों से आश्वस्त कराया कि उनकी कुछ मांग बुधवार तक पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन कर्मचारी नेताओं ने नुके आशय कि अगर टाइम रहते मारी 21 सूत्रीय मांग पूरी नहीं करी से तो संघ ने मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। राहुल बेरवाल से मीटिंग हुई थी यूनियन शिष्टमंडल की, उसके अंदर उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर सभी 21 सूत्री मांग पत्र को हल कर दिया जाएगा, परंतु उसको हल नहीं किया। इस वजह से आज शिष्टमंडल ऐसी साहब से मिला, आज का विरोध प्रदर्शन था। ऐसी साहब ने यूनियन शिष्टमंडल को बुलाया और बातचीत की और ऐसी साहब ने यह विश्वास दिलाया है कि भाई जिन भी कर्मचारियों की चाहे वो किसी भी रूप से लगे हुए उनको कल तक, कल शाम को 5 बजे तक उनका पीछे का जितना भी बकाया वेतन है वो उनका भुगतान कर दिया जाएगा। रेवाड़ी में डॉक्टरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया से और हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश के सारे डेंटल डॉक्टरों ने अपनी मांगा के प्रति प्रदर्शन कराया और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा। नागरिक अस्पताल के डेंटल सर्जन काले बिल्ले लाके ओपीडी में मरीजों का इलाज कराया। डेंटल सर्जन एसोसिएशन ने सरकार तक चेतावनी देते हुए इन्हों कहा कि शनिवार तक हम काले बिल्ले लाके मरीजों ने देखांगे और अपना रोष जाहिर करांगे और उसके बावजूद भी यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे साथ जो हमारी सारी मांगे हैं वो पूरी की जाए वरना हम 17 तक ब्लैक पेजेस का अपना करके हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि हमें क्या करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस सारी चीज़ों से कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है सरकार पे। सीएम के अप्रूव करने के बाद भी 2014 में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी हमारी मांगे मान ली थी, उसके बाद भी वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अटक गई थी और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है।
15 अगस्त की सुरक्षा ने पुख्ता करण तय, प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे जा रहे हैं। अरे प्रदेश के कई जिला में समारोह ने लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन कराया गया। अरे इस दौरान गोहाना, तोशाम और सिरसा में स्कूली बालका की गिल्ला पुलिसकर्मियों ने भी रिहर्सल करी है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी शहर में सुरक्षा के मद्देनजर सारे मेन 5-स्टार होटल, पीजी, गेस्ट हाउस और साइबर कैफे जैसी कई जगह पर सर्च अभियान शुरू कराया है, जिस पर सीआईडी की भी पैनी नजर होगी। और इसी तरह छह बहादुरगढ़ में भी पुलिस ने अलग अलग जगह पर नाके लाके वाहन की चेकिंग का अभियान चलाया है। और दिल्ली में भारी कमर्शियल वाहन की एंट्री बंद कर दी गई है, जिस तरह बहादुरगढ़ में भारी वाहन की लंबी लंबी लाइन लग रही है। 14 अगस्त की रात 12 बजे के बाद 15 अगस्त दोपहर तक दिल्ली में कमर्शियल वाहन की एंट्री पूरे तरीके से बंद रहेगी। हासी के हिसार रोड पर गंदगी की ये तस्वीरें स्वच्छता अभियान की पोल खोलती नजर आ रही है। पिछले कई महीने तक हिसार रोड पर सीवर व्यवस्था ठप होने के कारण दुकानदार नरक जैसा जीवन जीने मजबूर हो रहे थे। और पिछले लंबे टाइम तक दुकानदारों ने सीवर व्यवस्था ठप होने से लेकर प्रशासन के खिलाफ गहरा रोष व्यक्त किया था और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करी थी। और लोगों की मांग न्यू से कि जल्द उनकी समस्या का समाधान कराया जाए और नहीं तो वह आंदोलन करेंगे। कम से कम 2 महीने से यहाँ पानी खड़ा है और मच्छर हो रहे हैं, डेंगू, और हम परेशान हो रहे हैं काफ़ी समय से। काफ़ी बार दुकानदारी ख़त्म हो गई, प्रशासन कह चुके कोई हुआ ही नहीं। ये हम MC के पास हम गए हैं और अपना पब्लिक हेल्थ के पास गए हैं, JE को फ़ोन किया है, SI को फ़ोन किया है। समस्या ये पानी सड़क पे खड़ा है, हम बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। अगर प्रशासन ने इसी जैसे आगे से ये सीवर भी, नाला भी पेड़ वालों ने बंद कर दिया, पानी हमारी जा सके। हमारी मांग तो ये है प्रशासन हमारा ये काम कर दे, सफाई रखे, पानी हमारा खत्म कर दे, हमारी नहीं तो रोड जाम करेंगे। फरीदाबाद की पंचशील और शिवम कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने गंदगी तक परेशान होकर हरियाणा मानव अधिकार आयोग तक शिकायत दी है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग के सदस्य ने नगर निगम फरीदाबाद से जवाब तलब कराया है। कॉलोनिया के दौरे खुले में इकट्ठे हुए पानी की समस्या के बारे में क्या कार्रवाई करी जा रही है, इस पर निगम ने नुकया से कि कॉलोनिया व डंगते बिना किसी की अनुमति तक बनाई गई थी, लेकिन ईब इन्हें नियमित कर दिया गया है। और सीवर लाइन गेरण का जो टेंडर है वो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी से, जल्द ही सिविल लाइन साफ कर दी जाएगी। फिलहाल चौगरदा के हरियाणा मास से इतनी खबर से, कल फिर 5 बजे सांझ ना आप तो मुलाकात करांगे, रात नहीं इस टाइम अपना खबर सुनावांगे। तो देखते रहियो आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज। राम राम, नमस्कार।